ठीक है तो आज अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है ये इको सिस्टम इको सिस्टम का ना ये सेकंड लेक्चर है ठीक है बच्चा पार्टी तो अपन ने जैसे लास्ट क्लास में अपन ने जैसे लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था कि यार चार फैक्टर जरूरी होते हैं एक होता है प्रोडक्टिविटी एक डिकम्पोजिशन एक एनर्जी फ्लो और एक न्यूट्रिय साइकिल तो प्रोडक्टिविटी के बारे में हम देख चुके थे एनर्जी फ्लो के बारे में हम देख चुके थे अब बच्चा न्यूट्रिय साइकिलिंग और डीकम्पोजिशन ये दो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं ठीक है <laughs> ग्राइडेड देन वो जहर का काम करता है ना पक्का ऐसा क्यों दिमाग चल रहा है अपना आ, इफ्रा का आई नो साक्षी आई नो आई नो साक्षी मैं नहीं बोला था उन्हें इस बैच के तो मैंने सबके इनाम देखे दिए हैं इस बैच के तो सबके इनाम दिए हैं मैंने तो जिस जिसका भी एक्सेबल होगा जिसका भी पॉसिबल होगा ठीक है हाँ <laughs> वो तो यार टीम को ही पता है ये वाला आइडिया मुझे नहीं है बस ऐसा था बैच पूछा गया था तो आई सजेस्ट दिस बैच ठीक है हाँ तो चलो डीकम्पोजिशन अः डी कम्पोजिशन के बारे में कौन क्या जानता है कि डीकम्पोजिशन क्या होता है नहीं ऐसा नहीं है समीर डिशन के बारे में किसको पता है तो बताओ अरे ये डिस्कस करेंगे हम पहले अपन टॉपिक पे आ जाते हैं है ना ये सिलेबस कंप्लीट करना है नहीं करना है अपन को वेरी गुड और किसी को कुछ पता है दिखो, 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 दिखो. क्या बेटा आप क्या पूछ रहे थे कि क्या पता है आधा घंटे से चिल्ला चिल्ला के थक गई डीकम्पोजिशन मतलब बता दो डी मतलब बता दो बच्चे पूछ रहे है मैम आप क्या पूछ रहे थे है ना तो वही है हाँ फॉर श्योर हाय अंजलि नाइस डीपी ठीक है तो अब देखो क्या होगा कि डीकंपोजिशन uh, मतलब होता है कोई भी कोई मैटर है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है आप उसको डीकंपोज करना है उसके छोटे टुकड़े करने हैं इनटू स्मॉलर इन ऑर्गेनिक मैटर सो दैट अब हम उसको डीकंपोज क्यों कर रहे हैं पहली बात तो ये कोई मुझे रीजन बताएगा यार डीकंपोजिशन की जरूरत क्यों पड़ रही है हम साइकिल पूरी करने के लिए वेरी गुड सो दैट देखो अगर डीकम्पोज कर रहे हैं किसी भी बड़े ऑर्गेनिक मैटर तो को इन टू तो इन लाइक अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन कोई वाटर न्यूट्रेंट्स तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारी चीजें यूटिलाइज होती है ठीक है कभी कोई कार्बन साइकिल हो गई उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है फॉस्फोरस साइकिल है उसके अंदर यूटिलाइज हो रही है हमारे एनवायरमेंट में यूटिलाइज हो रही है प्लांट्स उसे यूटिलाइज कर रहे हैं ठीक है समझ आया अब ट्राइटस मतलब क्या है डिट्राइटस मतलब होता है जैसे देखते हो पेड़ पौधों से ऐसे चीजें झड़ जाती है फूल झड़ जाते हैं उसकी पत्तियां जो झड़ जाती हैं उसके जो टुकड़े लकड़ी के टुकड़े जो गिर जाते हैं नीचे तो वो जो रिमेन्स बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा डिट्राइटस ठीक है क्लियर है सबको क्लियर है तो अब बेटा एक बात बताओ वो नीचे जो कचरा गिरा है पेड़ का जो कचरा गिरा है है ना उसको हमने बोला है डिट्राइटस तो उस अः ऐसा तो है नहीं कि वो फूल नीचे गिर गया पत्ती नीचे गिर गया जिंदगी भर ऐसे सजी की सजी रहेगी समीर जाके चश्मा लगा के देख रहा है कि यार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ पर ये पत्ती ऐसी की ऐसी गिरी पड़ी है इसका कुछ बदल नहीं रहा है पर ऐसा नहीं हो रहा है समीर उसको थोड़े टाइम बाद बूढ़ा होकर जब देख रहा है कि उसकी पत्तियों का साइज बदल रहा है नहीं बदल रहा तो समीर बोल रहा है हाँ बदल तो गया है क्यों क्योंकि उसका हो चुका है फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है फ्रेगमेंटेशन होता है जो डिट्राइटस होता है ना मैंने आपको बताया जो कचरा है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है ठीक है और वो कौन तोड़ते हैं डिट्राइटोवोर्स जिसे अर्थवर्म है earthworm उस उसमें जाके एक्ट करेगा और उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन क्लियर है सबको अब क्या ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जिंदगी भर जमीन पे पड़ेंगे नहीं ये कहीं ना कहीं आगे जाएंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पास ऑन होंगे हमारा नेचर ही ऐसा बनाए कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो पास ऑन होने चाहिए तो ये कौन से प्रोसेस से पास ऑन करेंगे ये लीचिंग के थ्रू पास ऑन करेंगे बेटा डिट्राइटोवर्स वो होते हैं जो डिट्राइटिस एक्ट करते हैं डिट्राइटिस मतलब पेड़ पौधों का झड़ा हुआ फूल पत्ती ये जो कचरा होता है ना इसके ऊपर अर्थफॉर्म जाके एक्ट करेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और इस प्रोसेस का नाम दिया है हमने फ्रेगमेंटेशन ठीक है अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद ये पानी के थ्रू है ना बहुत इसके अंदर हमारा जो सॉइल है मिट्टी है इसके अंदर एब्जॉर्ब होंगे नीचे नीचे जाते जाएंगे और एज अ यू नो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक जगह जैसे होता है ना कि यार इस जगह हमें थोड़ा न्यूट्रिएंट ये वाला ज्यादा मिलता है आप इधर जाओ ये वाला न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलेगा सॉइल के अंदर इस सॉइल के अंदर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है समझ आ रही है तो ये लीचिंग के थ्रू हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है लीचिंग के थ्रू क्लियर है अब देखो दो चीज मैंने आपको बताई कि एक जो है डिट्राइटो वो तोड़ रहे हैं कौन डिट्राइटो वो जो कि है अर्थवॉर्म तो उसको हमने नाम दे दिया है फ्रेगमेंटेशन पर अगर अर्थवॉर्म के अलावा जैसे कोई कोई और है वो बोलेंगे नहीं बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स अगर बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स आ गए वो बोले कि यार हम भी तोड़ेंगे हमें भी ये ना फूल पत्तियों पर बैठना है हमें भी उसको तोड़ना है तो वो क्या करेंगे बेटा उस पे एक्ट करके उसको तोड़ेंगे और इस प्रोसेस को यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की जगह बोल दिया जाएगा कैटाबॉलिज्म क्या बोल दिया जाएगा कैटाबॉलिज्म क्लियर है डिट्राइटस जब इनऑर्गेनिक में सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा किसके थ्रू अर्थवर्म वगैरह के थ्रू डिट्राइटोवोस के थ्रू तब उसको फ्रेगमेंटेशन का नाम दिया जाएगा पर एकर ऑर्गेनिक मैटर अगर इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम के थ्रू तो उसको नाम दिया जाएगा कैटाबॉलिज्म डिफरेंस क्लियर है फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म में किसी को कोई भी कंफ्यूजन अब ये बताओ मेरे को आ, दो एक टर्म है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइज मिनरल मिनरलाइजेशन उसका किसी को मतलब पता है जुबिया uh, लीचिंग में प्रेसिपिटेशन वाला समझ नहीं आया देखो मैं आपको जैसे बताती हूँ जैसे अः uh, हम आप बोलते हैं यार ये वाली जो मिट्टी है पेड़ है ना मिट्टी के हिसाब से लगता है कि कोई कोई बोलता है इस मिट्टी में ये वाला कंसंट्रेशन जैसे मान लो लेट से कार्बन का इधर ज्यादा है यहाँ पे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन इस मिट्टी में ज्यादा है लेट से यहाँ पे सेवेंटी नाइट्रोजन है यहाँ पे ट्वेंटी नाइट्रोजन है तो भैया वो नाइट्रोजन सॉइल में पहुंची कैसे पहली बात तो ये कहीं ऐसा तो है नहीं हमने स्प्रे लेके नाइट्रोजन को है ना छिड़का है तो वो बेटा कोई भी जैसे कोई भी एक होता है मॉलिक्यूल ले लो या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो कोई भी सब्सटेंस ले लो जब वो टूटता है तो ऑब्वियस उसके अंदर मिनरल्स तो हैं हमारे अंदर भी मिनरल्स हैं सबके अंदर मिनरल्स हैं तो जब वो फूल पत्ती ये सब तोड़ा गया है ठीक है तो वो टूटने के बाद जब वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं स्मॉल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं नाइट्रोजन बन चुका है फॉस्फोरस बन रहा है तो भैया वो बन के जब पानी के थ्रू जब वो मिट्टी के अंदर जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और सॉइल होराजन में एक्यूमलेट हो जाएंगे ऐसे करके है ना कि यहाँ पे नाइट्रोजन है यहाँ पे थोड़ी सी सॉइल है ऐसे करके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग पानी के थ्रू सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जाना क्लियर है और oh, मिनरलाइजेशन देखो आपने देखा होगा ना वो ब्लैक ब्लैक कलर की जो सॉइल होती है है ना ब्लैक कलर का जो कंपाउंड अपन को एकदम काली काली जो सॉइल अपन को देखने को मिलती है ठीक है तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो किससे बनता है आ, प्लांट, के, प्लांट को तोड़ तोड़ा के जो रिमेन्स होते हैं उससे जो ब्लैक कलर का जो सॉइल आप देखते हैं कभी कभार आपको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस और ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे ह्यूमस बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्या ह्यूमिफिकेशन क्लियर है सबको ये साइकिल समझ आ रही है पहले तो ये साइकिल देखो सब आप एक सेकेंड साइकिल देखो राइट right, हो और फिर साथ ही ये क्या होता है ह्यूमिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ह्यूमस का बनना वो काली काली जो मिट्टी वो बन जाती है जो काफी रिच uh, होती है उसको हम बोल देते हैं मिनरलाइजेशन क्या होता है कि वो जो है, वो जो ह्यूमस है फर्दर डिग्रेड होती जाती है उस उसपे क्या कहते हैं माइक्रोब्स एक्ट करते हैं कीड़े आपने देखा होगा कभी ऐसे काली कलर की मिट्टी होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े घूम रहे होते हैं तो उसपे कीड़े एक्ट करके घूम के ना इसको फर्दर डिग्रेड करते हैं और फिर और इनऑर्गेनिक मॉलिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन ठीक है क्लियर है? है सबको ठीक है बोलो हाँ ना एक ही बच्चे को क्लियर है अभी देखो हाँ आपको मैं एक और बता दू जो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है मैंने उसने आपको ट्रॉपिक लेवल्स बताया था कि ये 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 एक 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 ट्रॉपिक 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 लेवल 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 हो लेवल हो 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 गया 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 हर एक ट्रॉपिक लेवल पे है ना जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है कि यहाँ पे कितना प्रेजेंट है यहां पे कितना प्रेजेंट है यहां पे कितना प्रेजेंट है उसको बोल देंगे स्टैंडिंग क्रॉप क्या बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं बायोमास भी कि भैया इतना इतना यहाँ पे इस पे प्रेजेंट है यहाँ पे इतना प्रेजेंट है यहाँ पे इतना प्रेजेंट है ठीक है अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड पिरामिड जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर ये सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर और एनर्जी जो है हमेशा यहाँ पे ज्यादा होगी फिर यहाँ पे इसकी टेन परसेंट यहाँ पे इसकी टेन परसेंट ये हमेशा यहाँ पे इसकी टेन परसेंट क्लियर है सबको ये बात डीएफसी क्या सी फूड चेन समीर बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में हाँ मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था ये ठीक है तो भैया आप देखो क्या होता है आ, मैंने जैसे आपको ये भी बता दिया था और साथ में देखो जो पिरामिड है ये दो तरह का होगा कोई इनका मुझे नाम बताएगा कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। नाजिया वेरी गुड वेरी गुड देखो हमेशा देखो क्या होता है कि मैंने क्या बोला पहले ना नीचे वाला जो सबसे लोअर लेवल होता है उधर सबसे ज्यादा बायोमास लेट से अवेलेबल है जैसे ये हो गया हमारा ग्रेजिंग फूड चेन वाला ये एग्जांपल ले लो जीएफसी वाला इसके अंदर देखो क्या है यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारी ग्रास अवेलेबल है अब इस प्लांट अवेलेबल है यानी इसको खाने वाले फिर तो थोड़ी कमी होगी है ना फिर काव को खाने वाला कोई कारण नहीं बोरा थोड़ा कम होगा इसको ऊपर खाने वाला और कोई कम होगा ऐसा नहीं है बहुत सारे इस पे है ना एक्ट कर रहे हैं तो ये देखो इनका जो नंबर है नंबर बोल लो ठीक है या बायोमास बोल लो या फिर एनर्जी बोल लो ये तीनों कम होती जा रही है ठीक है हाँ ग्रेसलैंड जू प्लैंक पर कुछ एग्जाम्पल है जिसपे यार एक जने के ऊपर बहुत सारे जो चीजें हैं वो बैठ के खाती है लेट से अगर हम बोल रहे कि एक पेड़ है इस पेड़ के ऊपर अगर किसी को बैठ के कुछ खाना है बहुत सारी चिड़िया को तो ये तो एक है इसके ऊपर खाने वाले बहुत सारे लोग हैं अब ये प्लांट है प्राइमरी प्रोड्यूसर है पर इसके ऊपर खाने वाले जैसे कि सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर वो बहुत सारे हैं तो ये किसका एग्जांपल हो गया ये हो गया इन्वर्टेड का एग्जांपल कि देखो प्राइमरी वाला तो सबसे कम था उसके ऊपर खाने वाले बहुत सारे थे तो ये आपको अपराइट और इन्वर्टेड में कंफ्यूजन जो था वो क्लियर है और कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है इन्वर्टेड का जैसे फिशेस जो है वो किस पे एक्ट करती है फाइटो प्लैंकटन पे तो फिशेज है ना बहुत सारी है बहुत सारी फिशेज है बहुत सारी फिशेज पर फाइटो कम ही है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है इन्वर्टेड का आपको मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा अपरइट एक्सप्लेन करो या इन्वर्टेड एक्सप्लेन करो आपको एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ये फिशेज वाला किसका एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है ठीक है क्लियर है अब बात आती है इकोलॉजिकल सक्सेशन यार ये सबसे बढ़िया टॉपिक है इसके बारे में तो अपन सभी जानते हैं ठीक है कैसे देखो अपन एक इन्वायरमेंट है अपन एक कम्युनिटी है हमें कब सब कुछ चीजें पसंद है जब हमारे इन्वायरमेंट में शांति शांति वो हमारा सब की जगह ना इकलीबीरियम बना पड़े जैसे अभी जैसे कौन है आ, साक्षी वहां पे गई स्कूल uh, गई और बोले यार वहां पे इन्वायरमेंट के साथ मेरी बन नहीं रही तो इसको मजा नहीं आएगा उस जगह पे पर अगर यही समीर की हर जगह बन रही है तो समीर को मजा आ रहा है ठीक है तो क्या चाहिए एक तिकली बीरियम चाहिए कहीं पे भी रहने के लिए तभी वो चीज एग्जिस्ट कर सकती है ठीक है यहां तक सबको क्लियर है तो अगर उसी से आप मेरे को कहीं रिलेट करके बता सकते हो सक्सेशन क्या होता होगा और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती होगी सब छोड़ो पहले ये बताओ क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है देखो अपन है अपन को अपने एन्वायरमेंट के हिसाब से हम बहुत इफेक्ट होते हैं एन्वायरमेंट में चल लाइट से बारिश हो गई हम हमारा थोड़ा जो नेचर है वो चेंज हो जाता है हमारा रहने का तरीका नहीं चेंज होता है रहने का तरीका बोलो यार हमारे खाने बदल जाते हैं सर्दियों में आपको चाहिए गर्म खाना सर्दियों बारिश में आपको चाहिए गर्म गर्म पकौड़े गर्मियों में आपको चाहिए लाइट खाना तो संभाव एन्वायरमेंट कितना इफेक्ट कर रहा है है ना कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो देखो देखो जो चेंजेस है वो हमारे इक्लिबीरियम को ना कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं क्या कर रहे है? कर रहे रहे हैं हैं इफेक्ट ठीक है तो हमारी जो कम्युनिटी है ना ना वो के के साथ environment के साथ एनवायरमेंट में रहनी चाहिए बराबर में रहनी चाहिए दोनों की बनती रहनी चाहिए और जब ये कम्युनिटी हमारे एनवायरमेंट के साथ इक्लीबीरियम में रहती है इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी ठीक है क्लियर है जब कंटिन्यूअसली चेंजेस चल रहे हैं कभी कुछ बदल रहा है एनवायरमेंट में कभी कुछ बदल रहा है पर वो बदलता रहे जितना बदल रहा है बदलता रहे पर हमारे अकॉर्डिंग वो इक्लिबीरियम में रहे कि हम जितना अपने आप को बदल पा रहे हैं वो भी उतना ही बदले ऐसा नहीं बहुत ज्यादा बदल गया तो वो क्लाइमेक्स नहीं आ पाएगा तो दोनों इक्लिबीरियम में है हमारे साथ साथ तो उसको बोल देंगे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी ठीक है तो अब क्या होता है ये स्पीशीज भी भैया उसी के हिसाब से रहेगी मतलब इन्वायरमेंट सुटेबल है तो रहेगी इनवायरमेंट सुटेबल नहीं है तो नहीं रहेगी ठीक है तो अब क्या होगा मतलब समझिए तो पूरा एज इट इज उठा उठा के लाइन्स एकदम एज इट इज लिख दे रहा है तो देखो अब जो स्पीशीज है वो उस हिसाब से वहां पे कम ज्यादा कम ज्यादा होती रहेगी जिसको वो एनवायरमेंट अच्छा लग रहा है वो वहां पे रहेगी और जिसको वो एनवायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा वो वहां पे नहीं रहेगी तो उसका रहना नहीं रहना किसी का भी किसी भी स्पीशीज का या उसके कंपोजिशन का एक पर्टिकुलर एरिया में जो चेंज होता है ना उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या बोलते हैं लेट से इस वाले में चार Uh, क्या बोल सकते हैं लेट से चार सबसे आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है डॉग ठीक है एक डॉग की स्पीशीज ले ली तो यहाँ पे है चार डॉग यहां पे है टेन डॉग्स तो इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ का है दस और यहाँ का है चार ठीक है यहां पे कितनी स्पीशी उस स्पीशीज कितना है और यहाँ पे कितना है ठीक है क्लियर है तो यार सक्सेशन मतलब वो स्पीशीज है ना चेंज हो रही है वहां पे आ रही है ठीक है तो आप एक बात बताओ जो पूरा सीक्वेंस है कम्युनिटी का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं कोई मुझे बताएगा सीर, क्या बोलते हैं बेटा सीर द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी एक सेकेंडली द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड सीर ठीक है अब देखो मुझे एक बात बताओ कि जब आपको क्या लगता है ये जो हमारा जो सक्सेशन है ठीक है ये ऐसे ही होने लग गया दो तरीके के सक्सेशन होते हैं एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है ठीक है तो मतलब ऐसा क्या पहला तो प्राइमरी और सेकेंडरी में मुझे डिफरेंस बताओ कि क्या होता है देखो सबसे पहले तो सक्सेशन तब स्टार्ट हुआ था मतलब स्पीशीज का आना तब स्टार्ट हुआ था जब जैसे आपको पता होगा इवोल्यूशन में कि यार यहाँ पे कोई लाइफ थी नहीं तो जहां पे कोई लाइफ नहीं थी पूरी धरती खाली पड़ी थी सिर्फ रॉक्स थी और बड़े बड़े पहाड़ थे चट्टाने थी पर धीरे धीरे सन सनरेज पड़ी पानी आया उनको तोड़ फोड़ के कुछ कुछ ऐसा हुआ मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस आए तो धीरे धीरे नहीं बोला गया धीरे धीरे लाइफ फॉर्म आई जैसे सबसे पहले अब बोला गया ये कोई पत्थर है पत्थर पे आके रहने लगे लाइकन्स तो लाइकंस ने क्या किया कुछ ना कुछ ऐसा वो रिलीज किया कुछ ना कुछ मॉली न्यू सॉरी क्या रिलीज किया गया वो टर्म याद नहीं आ रहा वो टर्म स्किप हो गया मेरे दिमाग से लाइकन्स क्या रिलीज करते हैं कोई मुझे याद दिलाएगा कोई याद नहीं दिलाएगा मुझे पता है यहाँ पे यार एक वो टर्म देखो तो जो लाइक होते हैं वो क्या केमिकल्स रिलीज करते हैं क्या रिलीज करते हैं केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो रॉक्स होती है वो ब्रेक डाउन होती जाती है डाउन होती जाती है तो अब क्या हुआ वो डाउन होती गई तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे चट्टान में यहाँ टुकड़ा पड़ा तो यहाँ पे कौन आके उगने लगी ब्रायोफाइट्स आके लोग उगने लगे तो जब ब्रायोफाइट्स आने उगने लगे तो उसकी क्या क्वालिटी होती है कि वो सॉइल को मिट्टी को पकड़ के रख लेते हैं जकड़ के रखते हैं तो भैया सॉइल को पकड़ने लगे फिर ब्रायोफाइट्स के बाद आपको पता है ब्रायोफाइट्स, एरिडोफाइट एनजीओस्पम्स जिम्नोस, जिम्नोस्पर्म्स एनजियोस्पम्स आने लगे फिर ऐसे बड़े बड़े ट्रीज आके होने लगे ठीक है ये क्लियर है सबको तो जब कुछ नहीं था तब से पूरा जो लाइफ फॉर्म आना उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन खाली से लाइफ आ जाना पूरा बड़े तक है ना फिर उसके बाद होता है यार पहले सब कुछ था पर समहा कुछ ऐसा हुआ कि वो धरती जो है वो वापस से खाली हो गई फिर उसके बाद वापस उधर लाइफ फॉर्म आई है लेट से आप एक जगह ले लो एक फॉरेस्ट ले लो इस फॉरेस्ट में पहले तो देखो बहुत सारे ट्रीज थे पर अब यहाँ पे क्या हुआ समीर ने जाके लगा दी आग हाँ बेटा वो एक टर्म होता है ना कभी कभार जैसे अपन को मेरे सामने प्रिया बैठी है तो मैं उसका नाम बोल दूंगी यार इसका नाम क्या है नाम क्या है नाम क्या है यार इसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को तो ये वो वाला स्टेज था।, तो था तो जैसे अपन इको सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फिर मेरे को चैप्टर का नाम ये चैप्टर का नाम ये चैप्टर का, का नाम वो वाला ठीक है तो देखो अब क्या होता है कि अः ये कंटिन्यूसली जाके समीर ने इसमें ना आग लगा दी और ये सारे पेड़ खत्म सारे पेड़ खत्म हो गए नहीं नहीं मैं प्रिया को नहीं बोल रही ठीक है तो ये सारे पेड़ खत्म हो गए तो भैया पहले तो सब कुछ था अब यहाँ पे आग लग गई सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ खत्म होने से अब वापस यहाँ पे धीरे धीरे पेड़ उगेंगे लाइफ फॉर्म आएगी स्पीशीज आएगी तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन क्या हो जाएगा सेकेंडरी सक्सेशन तो अब मुझे ये बताओ कि प्राइमरी सक्सेशन ज्यादा टाइम लेगा या सेकेंडरी सक्सेशन ज्यादा टाइम लेगा हाँ हाँ पार्थ सही बात है एकदम समीर कुछ भी कर सकता है ना राइट right. क्यों क्योंकि यार वो पूरा कि रिवॉल्यूशन जैसा चलता है उसके पैरेलली चल रहा है तो इसलिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है सेकेंडरी सक्सेशन तो क्या है तुम कितनी आग लगा दो फिर हो जाएगा क्योंकि वहां पे ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स रीजन ये वहां पे प्राइमरी सक्सेशन के लिए पहली है ना सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स है ना प्रेजेंट नहीं थे पर अभी आग लगाई है तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट फेवरेबल तो है उस चीज के लिए उस एनवायरमेंट ने पहले ही चीज देख रखी है उसको पता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है है ना समझ पड़ी बात अब जैसे देखो एक तीन दो टर्म आते हैं हाइड्राच सक्सेशन और एक है जिराच सक्सेशन क्या होता है ये देखो सक्सेशन ऑफ प्लांट प्लांट देखो क्या होता है एक तो बहुत सूखे में रहते हैं और एक बहुत गीले में रहते हैं तो भैया एक जो पानी में ही हो बहुत सारे पानी में हो वो हो गए हाइड्रार्स वेरी वॉटरी और वेट इन्वायरमेंट वाले और जीरास सूखे कैक्टस वाले वेरी ड्राई वाले ठीक है तो अब देखो सक्सेशन मतलब मैंने आपको क्या बताया इवोल्यूशन का दूसरा टर्म मानो सिनोनिम मानो तो भैया सबसे ज्यादा पानी से जब जो शुरू हुए वो धीरे 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 एक कंडीशन पे आते हैं जिसको बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन अगर जैसे हम बोले उसको बोलते हैं मैजिक मैजिक मतलब ना ज्यादा पानी ना ज्यादा सूखा जीराज है वेरी ड्राई ठीक है वो वेरी ड्राई से ड्राई से मैजिक पाएंगे ना ज्यादा सूखा ना ज्यादा पानी क्लियर है सबको समझ आया तो प्लांट्स ऐसे सक्सेशन किए हैं हाइड्राज से मैरिस पे और जिराक से भी मैजिक पे ठीक है तो अब जो मैंने आपको बताया स्पीशीज जैसे आके यहाँ पे रह ली है ठीक है पूरा एरिया जहां पे कुछ नहीं था उस स्पीशीज को हम बोलेंगे प्योनीर स्पीशीज क्या बोलेंगे पियोनीर स्पीशीज जब पूरा एरिया खाली था उस पर आके बेर एरिया पे ठीक है जो रहने लगी है स्पीशीज उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे पनीर पनीर नहीं पियोनीर आपको मेरे को प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल देगा वाटर में वाटर में पानी में बात कर रहे हैं देखो जैसे पानी में सबसे पहले फाइटो आए ठीक है कौन आए फाइटोप्लैंकटन्स ठीक है अब फाइटोप्लैंकटन्स के बाद कौन आए रूट सबमर्ड प्लांट ओ वेरी नाइस वेरी नाइस nice. फिर आए रूट फ्लोटिंग प्लांट्स पहले रूट जो अंदर ही डूबे हुए थे फिर ऊपर जो फ्लोट करने वाले हैं वो आए ठीक है एक सेकेंड रुको फिर आ जाएंगे फ्री फ्लोटिंग समझ पड़ रही है बात इसके बाद मुझे बताएगा फ्री फ्लोटिंग के बाद कौन से आएंगे रीड स्वैम्प बेटा इसे याद करना पड़ेगा फिर आएंगे मार्श मीडो जुबिया, प्रिया नाजिया अंजलि इफ्रा क्या कर रहे हो सब फिर आएगा स्क्रब फिर आएगा ट्री ऐसे शांत बैठ गए हो सब कोई आंसर नहीं देता है आजकल देखो ऐसे करके देखो पहले फाइटो प्लैंटन्स थे ये पानी में थे वाटर में ठीक है वाटर से हम कहाँ पहुंच रहे हैं हाइड्राथ से मैजिक में देखो फाइटो बाद ये आया ये आया फिर ये आया फिर ये फिर ये फिर ये, फिर ये। तो ऐसे करके ना क्या चला है प्राइमरी सक्सेशन चला है क्या चला है सक्सेशन, क्लियर है सबको किसी को कोई भी कंफ्यूजन डायग्राम दिखाते हो रुको मैं आपको अभी क्लियर हो जाएगा मैम क्या सक्सेशन सक्सेशन मचा रखा है आपने समझ नहीं आ रहा है ये देखो ऐसे करके चलता है देखो पहले फाइटो वाला ये फिर मैंने आपको बताया समर्स प्लांट वो ऐसे थे फिर सी देखो फ्री फ्लोटिंग मैंने आपको बताया इधर आ गए पहले सिर्फ ये थे फिर ये भी आ गए इसके अलावा फिर मैं आपको दिखाऊं एक सेकेंड फिर आ गया रीट स्वैम्प मैंने जैसे लिखा था अब देखो सिर्फ इससे लेके प्लांट्स ऐसे बड़े बड़े हो गए फिर मार्श मीडो ऐसा फिर स्क्रब और फिर फाइनली देखो ऐसा फॉरेस्ट बन गया तो देखो ये पानी वाली स्टेज से अपन सीधा कहां पे आ गए ऐसी वाली स्टेज पे तो ये यहां से पानी वाली स्टेज से आना सीधा यहां पे इसको हमने नाम दिया है सक्सेशन तो अभी किसी को कंफ्यूजन है सक्सेशन क्या होता है किसी को भी है तो बता दो तो ये प्राइमरी सक्सेशन ही था ये तो क्लियर है ना क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था आपने देखा था पानी पूरा खाली था ऐसा नहीं पहले वहां पर जाके आग लगाई हो या समा पहले कोई वहां पे रह रहा हो जो किसी भी कंडीशन की वजह से खत्म हुआ प्राइमरी सक्सेशन वगैरह जहां पे जिस टाइम में लावा ला, वगैरह हुआ करते थे मोल्टन लावा रिलीज हुआ करते थे ये सारे वहां से जो सक्सेशन शुरू हुआ है, है ना यहाँ तक क्लियर है ने? फिर उसके बाद आती है बात कि न्यूट्रिएंट साइकिल जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया एक स्टैंडिंग स्टेट होती है जहां पे प्रेजेंट बायोमास होता है लेट से बायोमास बोलते तो वहां पे प्रेजेंट न्यूट्रिएंट uh, कितना है वहां पे बोले तो नाइट्रोजन कितना है फॉस्फोरस कितना है कैल्शियम कितना है है ना तो ये है उस उस जगह का उस टाइम का स्टैंडिंग स्टेट कि भैया यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सेवेंटी फाइव परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो जैसे देखो एटमोसफेयर में तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट होती है आपको कोई बताएगा डिजोल्व फॉर्म में अपने ओशियन में ऑर्गेन कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है सेवेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो देखो अब बेटा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या कंटिन्यूअसली हमारा जो नेचर है उसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट है हमारे को प्लांट्स को एनिमल को ऑर्गेनिज्म को तो सब यूटिलाइज करते रहते हैं तो सब ऐसे यूटिलाइज करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि भैया न्यूट्रिएंट्स तो खत्म हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना कंटिन्यूसली एक ऐसी साइकिल है जिससे एटमोसफेयर एनवायरमेंट यहाँ पे कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होते रहते हैं कंटिन्यूअसली ये लोग बनते रहते हैं न्यूट्रिय तो ये पूरे जो न्यूट्रिय का साइकिल है न्यूट्रिय का बनना है इसको हमने नाम दिया है न्यूट्रिय साइकिल ठीक है न्यूट्रिएंट साइकिल का एक और नाम है जिसको कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल क्या कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर बायोजियो केमिकल साइकिल बायो जियो केमिकल साइकिल ये दो टाइप की होती है एक होती है गैशियस और एक होती है सेडिमेंट्री ठीक है कोई मुझे बताएगा गैशियस क्या होती है गैशियस वाले का रिजर्व आयर क्या है गैशियस वाले में तो सबसे पहले जैसे हो जाता है नाइट्रोजन कार्बन कार्बन की साइकिल ठीक है कार्बन सेडिमेंट्री में आ जाएगा हमारा सल्फर ये एग्जांपल आप याद रखना आपसे पूछा जा सकता है ऐसे की से गैशियस वाले का एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री वाली कौन सी है सेडिमेंट्री में रिजर्व वायर है हमारे अर्थ क्रस्ट और गैशियस वाले में हमारा जो रिजर्व वायर है रिजर्व मतलब कि ये इकट्ठी एक एक्स्ट्रा पड़ी रहती है ज़रूरत पड़ती है तो वहां से अवेलेबल होती है तो ये है एटमोसफियर क्लियर है सबको ये देखो साइकिल सीओ टू इन द एटमोसफियर मैंने क्या बताया रिजर्व ऑयर सब जाके रिलीज एटमोसफियर में ही हो रही है हमारी सीओ टू चाहे फिर वो देखो अब हम देख रहे हैं कौन सी कार्बन की साइकिल तो कार्बन कैसे कैसे रिलीज हो रही है अगर कोई हमने किसी फ्यूल में आग लगा दी किसी भी चीज में आग लगा दी तो भी कार्बन रिलीज होगा कार्बन रिलीज होके कहा पे जाएगा ऐसा तो है नहीं आपने लकड़ी में आग लगाई या कहीं पे भी तो कार्बन को इकट्ठा कर लिया किसने अंजलि ने और उसको अपने घर में ले जाके उसने रख लिया नहीं वो इवेंचुअली उड़ के एटमोसफेयर में हमारे कार्बन इकट्ठा हो जाता है ठीक है वैसे ही आ, हम जो रिलीज करते हैं वो भी कार्बन अपन रिलीज करते हैं ये तो आपको पता है तो समहा वो प्लांट्स के पास जा रहा है कार्बन ठीक है कहीं ना कहीं वो एटमोसफेयर में भी जा रहा है फिर जैसे कोल है ये कोल का जब हम कंबशन करते हैं ठीक है फॉसिल फ्यूल्स कभी हाँ फॉसिल फ्यूस का होता है इसका कोल का हो रहा है तो ये सारा ये देखो ये जो दिख रहा है ये भी एटमॉस्फेयर में जा रहा है ठीक है फिर उसके बाद आपको ये दिख रहे होंगे एक सेकेंड यहाँ पे CO2 इन वॉटर ये है हमारा डिजोल्व फॉर्म ये है डिजोल्व फॉर्म और ये है एटमोसफेयर वाला फॉर्म एटमोसफेयर में जो कार्बन है वो कम है कंपेरेटिवली टू डिजोल्व फॉर्म पर फिर भी जो रिजर्व वायर है वो हमारे उसको ही माना जाता है एटमॉस्फेयर को आप कभी भी पानी से कभी आपने नहीं देखा होगा किसी को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो पानी से लाके कार्बन डाइऑक्साइड है ना मतलब प्लांट्स को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि पहले कूद के छलांग मार के पानी में जाएंगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो उनको एटमोसफेयर से मिल रहा है हम जैसे उनको रिलीज कर रहे हैं प्लांट्स रिलीज वो क्या नाम है ये यहाँ पे आग लग गई तो ये रिलीज कर रहे हैं है ना भले वहां पे कंसंट्रेशन कम है पर रिजर्व है और कार्बन का एटमॉस्फेयर ही है क्लियर है जैसे कैलकेरियस सेडिमेंट्स आ, आपको देखो ये देखो छोटी छोटी चीजें सब छोड़ो छोटी छोटी चीजें अब जैसे ये डायग्राम है डायग्राम को मैंने जितना बताया आपने देख लिया पर यहां पे कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा होगा आपकी क्लास में जो ब्रिलियंट बच्चा बैठा होगा वो देखेगा यार यहाँ पे ना सेडिमेंट भी लिखा है अब एग्जामिनर पता है क्या ध्यान देगा यार सेडिमेंट लिखा है तो एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बना दे सकता है कि सेडिमेंट अब आप ये बताओ वो डिजोल्व फॉर्म में है ना कार्बन इकट्ठा कर रहा है या एटमोसफेरिक में तो सेडिमेंट हमें दिख रहा है वो डिजोल्व फॉर्म में या पानी के अंदर कार्बन इकट्ठा कर रहा है समझ आ रही देखिए आपने एक चीज तो ये क्या चीज थी ये क्या चीज थी एनसीआरटी से बाहर की नहीं थी पर जो बच्चा पूरा एनसीआरटी को ध्यान से नहीं देख रहा है एक एक चीज जो लिख दी गई है उसका मतलब नहीं समझ रहा है उसको क्या लगेगा कि भैया ये चीज सी एनसीआरटी से बाहर की इसको हम छोड़ देते हैं है ना ये हमें पता नहीं था पर मैं वही बोल रही हूं एनसीआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है अब जैसे लाइम एंड डोलोमाइट है ये आप जो लाइम देखते हो ये भी हमारे क्या होते हैं कैल्शियम का ही कैल्शियम क्या सॉरी कार्बन का फॉर्म होता है है ना तो अब हमारे दिमाग में नहीं आएगा नहीं आएगा कि भैया ऐसा भी क्लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट क्योंकि यहाँ पे लाइन में तो लिखा नहीं था तो हम हो जाएंगे कंफ्यूज पर अब जैसे क्या होता है ना जैसे पैकेजेस वगैरह होते हैं आप जैसे कुछ इधर उधर रेफर करते हो तो वो लोग कोई कोई कर देते हैं कि वो आपको मेंशन करके दे देंगे एक नोट के फॉर्म में नोट और लिख देंगे नीचे कैलकेरियस सेडिमेंट प्रेजेंट इन डिजॉल्व फॉर्म इन कार्बन साइकिल तो वो चीज अपन को अच्छी लग जाती है ठीक है पर वो इतना सारा मैटर है इंस्टेड ऑफ उसको करने की जगह एक एक जो वर्ड दे रखा है ना एनसीआर का उसे याद कर लो समझ पड़ी बात अब जैसे वही फास्फोरस साइकिल है ये इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है फास्फोरस साइकिल से क्वेश्चन नहीं उठता है फास्फोरस साइकिल इज लाइक इसका मेन रिजर्व वायर। चलो मुझे बता दो फास्फोरस साइकिल का मेन रिजर्वयर क्या है सबसे जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रिजर्व वायर किस किसमें मिलता है नेचुरल नेचुरल रिजर्वायर वेरी गुड साक्षी इट्स रॉक सबसे ज्यादा रॉक से मिलता है अब रॉक टूटती है ठीक है रॉक्स है रॉक क्या करेगी इसका वेदर वेदर मतलब जब वेदर चेंज होगा एनवायरमेंट कंडीशन चेक होगी चेंज होगी रॉक टूटेगी टूटने के बाद उसका थोड़ा छो, थोड़ा सा जो अमाउंट है वो रिलीज होगा सॉइल के अंदर फिर वो थोड़ा सा है ना जो एब्सॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स प्लांट्स करेंगे प्लांट्स में आ गया हम उस फौ, को खा लेंगे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज को खा लेंगे तो ऐसे करके जो फॉस्फोरस है वो सर्क्यूलेट हो जा रहा है फिर जब प्लांट्स टूटेंगे उनका कुछ अमाउंट टूटेगा तो वो डिट्राइटोवोर्स जो होंगे उस पर जाके एक्ट करेंगे फिर फ्रेगमेंटेशन होगा तो डिट्राइटोवोस के अंदर भी फॉस्फोरस चला जाएगा तो ऐसे करके रॉक्स जो उसका नेचुरल सोर्स है उसके थ्रू पूरे जो एनवायरमेंट uh, है उसके अंदर फॉस्फोरस सर्कुलेट हो जाता रहा है क्लियर है सबको उसके बाद आपको इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर एक याद रखना है जैसे हमने ना फॉर ग्रांटेड बहुत ज्यादा ले रखा है हमारे एनवायरमेंट को क्योंकि जब मन पड़ा जैसे पार्ट का मन है क्या आज मैं लकड़ी काट के लेकर आऊंगा तो मन उसने उठाई कुलाड़ी और लेके चल दिया जंगलों में और बैठ के है ना ये आराम से तीन चार लकड़ियां काट के लेकर आया है क्यों क्योंकि इसे पता है फ्री का है पर अगर ये पार्ट को बोल दिया जाए कि भैया इसका ना एक लकड़ी का इतना चार्जेस है तो क्या पार्ट लकड़ी का, ना काट के लेकर आएगा नहीं लेकर आएगा है ना तो वही यार ये कोई भी चीज हमारे लिए पहले क्या फ्री अवेलेबल थी तो हम इसे फॉर ग्रांटेड ले लिया तो समा हमारा जो इको है है ना तो वो क्या कर रहा है हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पर हम उस सर्विस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले दिया है तो हमारे जो कुछ कुछ ऐसे बहुत स्मार्ट लोग थे उन्होंने रिसर्चर्स ने क्या किया उसके ऊपर प्राइस टैग लगा दिया ठीक है तो आपको ऐसे प्राइस टैक्स की ना वैल्यू याद रखनी होगी लेट्स जैसे मैं बताऊं कि जैसे रिसर्चर्स ने किसने पूरा जो इकोसिस्टम जो हमें सर्विस देता है उसका ना थर्टी थ्री ट्रिलियन डॉलर्स अ ईयर उसका प्राइस टैग दिया है फिर हम उसको और जो कि किससे डबल है पूरा हमारा जो जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा आता है है ना जो कि अट्ठारह आता है उससे भी ये डबल है ठीक है तो हर चीज का उन्होंने एक कॉस्ट दे दिया है बिल दे दिया है कि यार ये चीज इतने की पड़ सकती है समझ आ रही है तो जैसे हमारे इकोसिस्टम में काफी सारी सर्विसेज है लेट से हमें जैसे पता है कि भैया मिट्टी तो फालतू है कहीं से भी कोई सी भी उठा लाओ पर अब आप जैसे देखते हो कि आपको घर बनवाना है तो मिट्टी आपको खरीदनी पड़ती है ना मिट्टी तो बहुत सारी है हर जगह ही है मिट्टी आपको पता है पर कभी आपको मिट्टी के फ्री में मिलती है जब आप देखते हो घर बनता है तो मिट्टी आपको पैसे दे लानी पड़ती है खरीदनी पड़ती है मिट्टी है ना तो यही वही उसकी कॉस्ट है ठीक है जैसे द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स जैसे जो सॉइल है सॉइल का जो बनना है कम से कम जैसे इकोसिस्टम जो हमें सर्विस दे रहा है सॉइल का बनना पेड़ का बनना लकड़ी का बनना तो जो सॉइल का बनना है ना वो मोर देन फिफ्टी परसेंट अकाउंट करता है इसका ये जो थर्टी थ्री ट्रिलियंस का जो पूरा हमने बजट लिया है इसमें जो फिफ्टी परसेंट है वो एटलीस्ट हम उसी को दे रहे हैं सॉइल को बनाने के बाकी सब आपस में बांटते रहो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कितने का लेगा मतलब ऐसा होता है खर्चा हम खर्चा दे रहे हैं कि मतलब पचास थर्टी थ्री ट्रिलियन पूरा नेचर ले रहा है इकोसिस्टम पूरा काम करने का ठीक है फिर उसने आपस में खाना बांट लिया सॉइल बोलती है मैं बनने के लिए कम से कम इसका फिफ्टी परसेंट ले लूंगी थर्टी थ्री ट्रिलियन का फिर न्यूट्रिय साइकिल बोलते हैं कि हम तभी न्यूट्रिय रिप्लेनिश करेंगे बराबर आपस में लाएंगे जब ठीक है तो न्यूट्रियक्लिंग uh, so, uh, का uh, बोलती है कि मैं ज्यादा नहीं मैं सिर्फ लेस देन टेन परसेंट लूंगी फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटाट है वो बोलते हैं भैया हम भी तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट uh, कर रहे हैं क्लाइमेट है वो बोलता है हम भी क्लाइमेट रेगुलेट करके चल रहे हैं तो वो कम से कम लेस देन सिक्स परसेंट ले ले सिक्स परसेंट ले लेते हैं क्लाइमेट रेगुलेशन कर रेगुलेट करने के लिए सिक्स परसेंट ले लेगा हैबिटेट जो मेंटेन कर रखा है वाइल्ड लाइफ नेचर ने हमारा वो सिक्स परसेंट ले लेगा तो ऐसे करके आप याद रखना ठीक है ऐसे पूछा जा तो सकता है कि कितना परसेंट अकाउंट करता है कितना परसेंट नहीं करता है क्लियर है सबको किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो मुझे ये बताओ पहले तो